हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 से 6:45 का टाइम हो रहा है और यहाँ मैं बच्चों का बना रही हूँ टिफिन। तो बस टिफिन बनाते बनाते तब तक आप देख सकते हैं हो गई है गड़बड़, क्योंकि हो गया है हमारे यहाँ सिलेंडर ख़त्म। तो बस दूसरा सिलेंडर लगा रखा ही था, तो फिर मैं उसकी कर रही हूँ फिटिंग। और क्या होता है ना कि अगर जल्दी जल्दी सुबह इतना मतलब टिफ़िन का जल्दी रहता है ना, बच्चों का स्कूल रहता है, 6:30 बजे गाड़ी आ जाती है और अचानक से सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा फुर्ती में काम करना पड़ता है। तो बस वही हुआ मेरे साथ कि सब कुछ हटा करके फिर मुझे सिलेंडर सेट करना पड़ा और फिर मैं ये कर रही हूँ चने फ्राई, क्योंकि बच्चों का आज मन था। एक दिन पहले लेके गए थे भिंडी की सब्ज़ी और पराठा, तो आज था सैटरडे। तो क्या है ना, सैटरडे के दिन गेम्स वगैरह रहते हैं ऐसे सब, तो बच्चों ने बोला कि मतलब मम्मी मैं चने लेके जाऊंगी। तो बस मैंने फटाफट से चने को कुकर में बॉईल कर लिया है, बस इस तरह से, कोई भी प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला मैंने, बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्राई किए हैं। हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ये देखिए चाट मसाला, नमक, सब चीज़ें डाल के बहुत ही सिंपल तरीके से ये फ्राई किए, क्योंकि बच्चों को खाने इसलिए। और मैं अभी ना धनिया पत्ती भी नहीं डालूंगी, जब इनका टिफ़िन लग जाएगा उसके बाद ही उसमें धनिया पत्ती डालूंगी। और बस टिफ़िन देने के बाद मैंने बच्चों को जो है सब रेडी करके भेज दिया, तो वो ज़्यादा मैं सूट नहीं कर पाई, क्योंकि क्या है ना आज बच्चों को लेट हो गया था मेरे सिलेंडर के चक्कर में। तो बस बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद बस वही रोज़ का मेरा रूटीन जो है स्टार्ट हो गया है। और रूटीन में आज थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कल आया था गेहूं पीस करके, तो बस रात भर ही आटा ऐसे ही मैंने रखा रहने दिया। और कल जब मुझे बनाना था तो मैंने बोरी में से ही ले लिया था, क्योंकि क्या है ना जो मेरे आटे की टंकी है ये कंटेनर, तो इसको मुझे अच्छे से क्लीन करना था। और फिर मैंने इसको रात में धुला, तो फिर ये बहुत अच्छे से जब सूख जाए तभी मुझे आटा भरना था इसमें, तो मैंने रात भर इसको सुखाने के लिए रख दिया। और ये टंकी जब सूख गई फिर मैंने इसमें भरा है आटा। तो उसके बाद आज मेरे को ये मेरी बालकनी, जो बड़ी वाली बालकनी, इसमें थोड़ा सा जैसे बारिश होती है ना, तो पानी उतना ज़्यादा बारिश का आ नहीं पाता, तो मैंने मेरे मन में यही विचार आया। और हर बार मैं ऐसा ही करती हूँ, मतलब इस बार की बात नहीं है, तो अब मानसून तो आ ही चुका है, आप सबको पता है कि बारिश हमारे यहाँ महाराष्ट्र में स्टार्ट हो ही गई है, अभी 2-3 बार बारिश हो चुकी है मतलब थोड़ी थोड़ी। तो मैंने सोचा कि इन पौधों को क्या है इधर रख दिया जाए, तो इधर थोड़ा सा खुला भी है और बारिश का पानी जो है पौधों को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा इनके अंदर क्या है ताकत आ जाएगी, अलग सा इनको लगेगा। तो बस ये सारे जितने भी मेरे पौधे हैं सबको मैं रख दूंगी इधर, तो इनको क्या है अच्छे से पानी वानी प्रॉपर मिलता रहेगा जब भी बारिश होगी। तो बस आज मेरा सुबह से ना यही काम चालू था। और अभी हम लोगों ने चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लूँ, उसके बाद थोड़ा सा इसको दबा के वो करते ना तो आराम से आ जाता ना, और इतना उल्टा सीधा जाली सेट करके रख दे, तुमसे अच्छा मैं कर लेती, मुझे मालूम है। एक महिला कभी संतुष्ट नहीं होती भैया, पुरुष अच्छे से करे ही नहीं तो महिला संतुष्ट के कद्दू होगी संतुष्टि में। तो आप देख रहे हैं मेरी इनसे हो रही है लड़ाई, बस ऐसे बात बात पे ढेर आज लड़ाई हो गई सुबह से ही। कहते हैं ना कभी कभी दिन ख़राब होता है, पता नहीं किसका मुंह देख के उठो। वैसे तो हम 5 लोग हैं, 5 लोगों में से एक दूसरे का ही मुंह देखते होंगे, कोई अननोन तो है नहीं। आपको मेरी बातें सुन के हो सकता है हंसी आ रही होगी, लेकिन ऐसे ना कहावत बोलते हैं कि पता नहीं किसका मुँह देख के उठे थे जो आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन सही बताऊँ आपको ऐसा कुछ होता नहीं है, बस जो हम चाहते हैं वही होता है। तो फिलहाल तो आज मेरा से लड़ने का मन था तो मैंने इतना सारा झगड़ा कर लिया, क्योंकि एक काम बोलो तो एक करेंगे तो उसके बाद 4 तो गाना गाएंगे, फालतू की बातें कहीं कुछ। तो बस यही मेरा इनका चल रहा था। और यहाँ पर मैंने इनको बताया कि पौधे की कटिंग वगैरह ये इधर कर रहे हैं, तो मैं उधर कर रही हूँ डस्टिंग जो भी है। और मेरे घर में मैंने अभी आपको डिब्बे दिखाया ना, तो मेरे यहाँ पेंट आया हुआ है, तो कुछ 1-2 दिन में पेंट का काम चालू होने वाला है और पेंटर होंगे हम और ये। तो देखिए अभी पेंट का काम कब चालू होता है, मतलब इनका यही रहता है कि आज ये लेकर के आ गए और ऊँचा जो है तो यही कर सकते हैं, तो मैं तो ऊंचा चढ़ के कर नहीं सकती, तो इसलिए मेरे को ना इनका वेट करना पड़ता है किसी भी काम के लिए। और इनको जब मन होगा तब करेंगे, अगर इस साल पेंट आई है तो अगले साल पेंट होगी, ऐसा चलता है इनका। तो बस वही बातें हो रही थी उसी पे मैं खिसिया रही थी सब चीज़ें। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर की जितनी भी डस्टिंग होती है, सोफ़ा वगैरह सब कुछ अच्छे से झाड़ लिया, उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो आप वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, और चैनल में न्यू है तो
सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए। तो बस फटाफट से, ये सुबह की मेरी, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 7 ही बज रहे हैं, तो आज मैंने ना इनको भी जल्दी उठा दिया। बच्चे सब आवाज़ कर रहे थे, तैयार हो रहे थे, तो उसी आवाज़ में फिर ये उठ गए, तो बोले अब मैं सोऊंगा नहीं, बस अब मतलब ये तो बोल लेते मैं तुम्हारे साथ अब झगड़ा करूँगा और कुछ नहीं। तो ये सब बातें वैसे बताने वाली नहीं होती, लेकिन मेरे मन, मुझे हंसी आ रही थी तो मैंने आप सबको बता दिया। वैसे भी मुझे शेयर करनी चाहिए आपसे बातें, तो इसलिए मैंने अपने दिल की बात शेयर की। तो बस हम लोग ऐसे ही झगड़ते रहते हैं, और झगड़ा करना ना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पति देव कहते हैं कि झगड़ा करने से ही तो प्यार बढ़ता है। तो बस चलिए, वीडियो में बने रहिए, मेरा काम सब होता रहेगा। तो मेरा ना डेली का यही होता है कि 5:30 बजे उठ जाओ एक बार, तो बस 10, 11, 12 भी बज जाते हैं, पता नहीं चलता कब। तो बस ये सब काम करते करते मेरे को आज 10 बज गए थे नहा करके आते हुए, और बस नहा करके आके फिर मैं करूँगी पूजा और फिर बनाऊँगी मैं दोपहर का खाना। तो बस डेली का यही हो जाता है फ़िलहाल तो, और मेरी इतना ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाती है सुबह में कि आप देख सकते हैं। तो चलिए, चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छे से पैसे नहीं मिलेंगे अन्ना, बताओ नौकरानी हो क्या? नौकरानी नहीं भाई, पुरानी हो। नौकरानी से नहीं बोला जाता भैया, मलकिन से बोला जाता है। अरे यार, अभी तक छूटा नहीं, देख ताकत लगाओ, ऐसा थोड़ी है। क्या कहते हैं उसको, क्या चिपकाओ ने? गया। मिल गई ताकत, आ गई हिम्मत है।